हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान भक्ति में। दोस्तों, होलिका दहन है, जिसे हम छोटी होली के नाम से भी जानते हैं। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक माना जाता है। यह कितना पुराना है इसके विषय में ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण और साहित्य में अनेकों कथाएँ मिलती हैं, जिसमें सबसे लोकप्रिय कहानी भक्त प्रहलाद और होलिका की है, जिनकी वजह से होलिका दहन की परंपरा शुरू की गई थी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं होलिका दहन का इतिहास और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण कथाएं। विंध्य पर्वतों के निकट स्थित रामगढ़ में मिले एक ईशा से 300 वर्ष पुराने अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों ने उनके साथ होली खेली थी। इसके साथ ही कामदेव को इस दिन भी भस्म किया गया था। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव जी को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति बिलाप करके रोने लगी और शिव जी से कामदेव को जीवित करने के लिए प्रार्थना करने लगी। अगले दिन शिव का क्रोध शांत हो चुका था और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें एक महाभारत की कहानी भी जुड़ी हुई है। महाभारत की कहानी के मुताबिक युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार श्री राम एक पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला रहा करती थी, जिसे कोई भी नहीं मार सकता था, क्योंकि वह एक वरदान द्वारा संरक्षित की गई थी। उसे गली में खेल रहे बच्चों के अलावा किसी से डर नहीं था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ साथ उनका ढेर लगाकर जला दें, फिर उसके चारों ओर परिक्रमा दें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाने गाएं, नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और इस दिन को एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा, जो बुराई पर एक मासूम दिल की जीत का प्रतीक माना जाने लगा। दोस्तों, श्री कृष्ण और पूतना की कहानी। होली का श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता है। जहां इस त्यौहार को राधा कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वहीं पौराणिक कथा के अनुसार जब कंस को श्री कृष्ण ने गोकुल में होने का पता चला, तो उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले हर बच्चे को मारने के लिए भेजा। पूतना स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने उसकी सच्चाई को जान लिया। उन्होंने दुग्धपान करते समय ही पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है तभी से होली पर्व मनाने की मान्यता शुरू हुई है। दोस्तों, हमने आपको बताई होलिका दहन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कथाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।